घरेलू कलह के चलते पिता का बच्चों सहित जहर खाकर आत्महत्या करने का मामला एक सामने आया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में तीनों को पेश कर दिया है और हिसार जेल में भेज दिया है। पत्नी के चरित्र पर था मृतक सुनील को शक, इसलिए रहता था दोनों में झगड़ा, एसएचओ का ये कहना है। सपड़ा मोहल्ला में घरेलू कलह के चलते पिता द्वारा दो बच्चों सहित जहर खाकर खुदकुशी का मामला सामने आया है। मृतक की पैंट की जेब में मिले सुसाइड नोट व उसके भाई के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी सास व ससुर के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपी पत्नी सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस खुलासे में इस वारदात के पीछे घरेलू कलह बताया जा रहा है। इस घरेलू कलह का मुख्य कारण मृतक सुनील को उसकी पत्नी के चरित्र पर शक होना बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आजाद टीवी न्यूज के लिए टोहाना से सुशील सिंगला की रिपोर्ट। लोगों की करके तीनों नशों का पोस्टमार्टम करके करवा दी थी वर्षन के नशे। ये ओम प्रकाश जो सुनील का ससुर है, इसकी सास समूबाई और घरवाली सोनी और गीता के खिलाफ 306/34 IPC का अभियोग किया गया था।